कार्ड के जरिए अब अमेरिका और भारत ने चीन को घेरने की नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अमेरिका ने तिब्बत की धार्मिक आजादी को समर्थन देते हुए एक नया कानून बनाया है। इस कानून के तहत सिर्फ तिब्बत के लोगों को ही अपना अगला दलाई लामा चुनने का अधिकार है और इस प्रक्रिया में चीन किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तिब्बत में चीन की उम्मीदों पर पानी फिरा तो वो बुरी तरह बौखला गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दलाई लामा के मुद्दे पर चीन को अब भारत और अमेरिका ने मिलकर नए तरीके से मात दी है। इस बार चीन से तनातनी और बीजिंग की ओर से मिल रही चेतावनियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए जो तिब्बतियों को उनके धर्मगुरु दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी को चुनने का हक देता है। द तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट को अमेरिका कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ही पास कर दिया था, जिससे चीन बुरी तरह चिढ़ गया और उसके विदेश मंत्रालय ने इस कानून को चीन के आंतरिक मसलों में दखलंदाजी की कोशिश बताया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेन बिन ने कहा, हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वे चीन के अंदरूनी मामलों में दखल न दे और इस नकारात्मक कानूनों पर हस्ताक्षर करने से बचे। बीजिंग अमेरिका के इस कानून को स्वीकार नहीं करता और तिब्बत से जुड़े मुद्दे हमारे घरेलू मामले हैं। दरअसल अमेरिका के कानून में तिब्बत के ल्हासा में अमेरिकी दूतावास खोलने की मांग की गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि तिब्बतियों को 14वें दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। वहीं दलाई लामा को अलगाववादी बताने वाला चीन कहता है कि तिब्बत के धर्म गुरु के चुनाव में बीजिंग की स्वीकृति लेना जरूरी है। हालांकि तिब्बत चीन के इस दावे को नहीं मानता। इस कानून के तहत तिब्बत के मामलों पर अमेरिका के राजनयिक को यह अधिकार दिया गया है कि अगले दलाई लामा का चयन सिर्फ तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा किया जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कर सकता है। इसमें तिब्बत में तिब्बती समुदाय के समर्थन में गैर सरकारी संगठनों को सहायता का प्रस्ताव है। साथ ही अमेरिका में नई चीनी वाणिज्य दूतावासों पर तब तक पाबंदी की बात है जब तक तिब्बत के ल्हासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना नहीं की जाती। तो वहीं भारत भी तिब्बत के जरिए चीन को घेरने की कोशिश में लगा है, क्योंकि तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के हिमाचल से चलती है। क्योंकि तिब्बत पर चीन की चढ़ाई के बाद से दलाई लामा भारत की शरण में रह रहे हैं। उनके साथ ही उनके हजारों अनुयायी भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और भारत लगातार चीन से तिब्बत को आजाद कराने की परोक्ष रूप से मांग उठाता रहा है। तो वहीं तिब्बत के हित में अगर कई देश खड़े होंगे तो चीन पर दबाव बनेगा, जिससे चीन की स्थिति कमजोर होगी और भारत को चीन को मात देने में कामयाबी मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नए कानून पर हस्ताक्षर से चीन में उठापटक चल रही है। तिब्बत को लेकर ट्रंप के नए कानून पर हस्ताक्षर करने से चीन की परेशानी बढ़ गई है। ट्रंप ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब चीन इस संबंध में कानून को लेकर अमेरिका से सख्त कूटनीतिक प्रतिरोध जता चुका है। वहीं अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के रुख से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।